नमस्कार दर्शकों, साओ टेक्नो गाइड में आपका स्वागत है। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग। यह बेनरो का T600EX ट्राइपॉड है। ये ट्राइपॉड का खासियत ये है कि इसमें जो मेटल यूज हुआ है, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का, ये बहुत अच्छा है और ये ज़्यादा डिमांड में है। तो चलिए देखते हैं उसका अनबॉक्सिंग। ये देखिए, ये कुरियर पैकिंग में स्नैपडील ने ऐसे ही भेजा था इसे। इसको मैं अभी ओपन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ट्राइपॉड का जो बॉक्स पैक कंपनी ने दिया है वो कैसा है। अभी ये बेनरो का ट्राइपॉड का पैक ओपन हो गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसका ओरिजिनल बॉक्स पैक ऐसे ही रहता है। ये देखिए उसका क्लोज, ट्राइपॉड का बॉक्स पैक ऐसे ही रहता है। और उसका साइड में इसको कैसे असेंबल करें ये दिया गया है। अभी ये बॉक्स पैक को हम ओपन करेंगे। इसके अंदर एक बैग दिया गया है। तो ये बैग का एक बार क्लोज लुक देख लीजिए, इस टाइप का बैग दिया गया है। इसको कैरी करने के लिए इजी रहेगा। ये बैग के थ्रू में आप इधर भी इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप दिया गया है इसको आप कैरी करने के लिए। तो अभी हम इसका जिप ओपन करते हैं। इसके अंदर है हमारा बेनरो का ट्राइपॉड। तो यहाँ से क्लोज लुक देख लीजिए इसका। उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कुछ चाइनीज लैंग्वेज में लिखा गया है और पीछे की तरफ इंग्लिश में लिखा गया है। तो अभी हम उसको ओपन करके देखते हैं। इंस्टांट सभी उसका ओपन करके हम देखेंगे। पहले तो उसका जो हमारा कैमरा माउंट होगा, ये यहाँ पे एक लॉक दिया गया है, यहाँ से हम उसे उठा सकते हैं। और इसको कैमरा में इसको माउंट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेट करके ये लॉक को लगा देंगे। अभी हम इसको यहाँ से ऊपर करेंगे।
तो ये जो लॉक लगा है इसको लूज करने से ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और जहाँ पे हमको सेट करना है वहाँ पे इसको हम टाइट करेंगे तो वो पोजीशन में ये फिक्स हो जाएगा। तो इसको हम एडजस्ट करने के बाद इसको एक बार पूरा देख लीजिए, और इसके बाद इसको हम अगर ऊपर करना है तो यहाँ पे एक लॉक रहता है उसका, इसको ऊपर रख उठाना है, फिर इसको घुमाने से ट्राइपॉड उसका जो सेंटर का ये है ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, और इसको रिवर्स में लेने से ये ऐसे डाउन हो जाएगा, और इसको हम ऐसे नीचे कर सकते हैं। अभी मैं उसका थ्री लेग्स ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अभी इसका अभी लेग में कुछ एक्सटेंड हम लोग नहीं किए हैं, अभी जस्ट उसको नॉर्मल में रखे हैं। अभी यहाँ पे जो दो हुक लगा है हम उसको ओपन करके उसका लेग एक्सटेंड कर सकते हैं, मीन्स ये दो दो बार एक्सटेंड होगा, ये उसका लॉक रहता है। अभी मैं उसका लेग एक्सटेंड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमको ये लॉक उठाना पड़ेगा और इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे इसको ये लॉक को लगाना है, और उसके बाद फिर से हमको और एक बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसको भी ये लॉक को उठाना पड़ेगा और ऐसे ही इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हमको ये लॉक लगाना है। अभी ये ट्राइपॉड का अभी पूरा स्टैंड में खुला है, यहाँ से एक एक्सटेंड है नीचे, यहाँ से ये पर्सन से एक नीचे एक्सटेंड है, यहाँ से एक नीचे एक्सटेंड है, मीन्स ये फुल हाइट में है। और इसको जैसे मैं बताया था हम और भी ऊपर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसका ये जो पर्सन है इसको थोड़ा लूज रखने से इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे उसको टाइट कर देने से ये एक जगह में फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक दिया गया है जो कि उसको यहाँ से ऐसे लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करने से ये लूज हो जाएगा, और यहाँ से उसको टाइट करने से ये फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक दिया गया है उसका लॉक सिस्टम, और ये बेसिकली बहुत स्ट्रांग है और अच्छा एल्युमिनियम है इसमें, और यहाँ पे हम हमारा कैमरा रख के इधर कोई भी शूटिंग कर सकते हैं। और ये बेसिकली तो डिसमेंटल होता नहीं है, मीन्स इसमें मैक्सिमम जगह में इसका ऐसे ऐसे लॉक रहता है, उसी हिसाब से ये लूज रहेगा या स्ट्रांग रहेगा। और एक बार उसका क्लोज लुक देख लीजिए, आपको ये ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन में जो लाल बटन आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक देखते रहिए साउंड टेक्नोगाइड।